हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काइजन ओपन कोर्सवेयर यूट्यूब चैनल। काइजन ओपन कोर्सवेयर यूट्यूब चैनल इज एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ काइजन पब्लिक स्कूल बाना। होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेरी वेल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट पास्ट टेंस। आज की जो वीडियो है उसमें हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस के बारे में, लेकिन पास्ट टेंस का सेकेंड पार्ट। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट अस सी हियर अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? लगातार, ठीक है। पास्ट भूतकाल, काल टेंस, काल यानी कि समय। भूतकाल में लगातार कोई काम चल रहा है उसके बारे में जो बताता है टेंस हमें, वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ? दिस शोज द एक्शंस वाज कंटिन्यूइंग, ठीक है। कोई भी जो वर्क है ना, वो कंटिन्यू चल रहा होता है। कब? पास्ट में। कंप्लीट नहीं हुआ था पास्ट में, वो पास्ट में चल रहा होता है, ठीक है। The actions were going on at a particular moment. They show the actions were going on at a particular moments. ठीक है। पहचान क्या रहती है? पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। Firstly we describe past continuous tense, then we do the next process. Okay? So they are used. They are used to show actions which were going on in the past at a particular moment. So clear about present continuous tense? They are used to show actions. Actions को show करने के लिए use होते हैं। कौन से? Which were going on in the past at the particular moment. ठीक है। For example, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ये है बेटा, अब देखो, पहचान बताई थी मैंने, रहा था, रही थी, रहे थे। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई, ठीक है। यूज किसका होता है? वाज या वर का होता है। इसमें वाज होता है सिंगुलर के साथ, वाज होता है सिंगुलर के साथ। ध्यान से देखो, इसकी स्ट्रक्चर रहेगी आपकी सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर होगा ऑब्जेक्ट। वाज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई, ही, सी, इट, ठीक है। वर्ब का यूज होता है प्लूरल के साथ, वर्ब का यूज होता है प्लूरल के साथ और यू के साथ हमेशा वर आएगा। यू के साथ हमेशा किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। सो क्लियर? नाउ लेट अस सी आई। आई के साथ किसका यूज करेंगे? वॉज। आई के साथ किसका यूज होगा? वॉज, आई वॉज। अब लिखेंगे वर्ब, वर्ब है प्ले, आई वॉज प्ले। प्ले के साथ क्या लगेगी? आई एन जी लगेगी, आई वॉज प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ये हो गया हमारा सेंटेंस। सो क्लियर अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द नेक्स्ट प्रोसेस इज अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हिंदी में पहचान मैंने आपको अभी बताई है जस्ट नाउ कि वाक्य जो हम अनुवाद करते हैं हिंदी में तो उसके अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। पहचान है हिंदी में
हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान रहेगी कि वाक्य का अनुवाद करने पर वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, रहे थे आता है। ठीक है, ये तो है जब हम उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। बात करें इंग्लिश में, अंग्रेजी में पहचान के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या रहेगी स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहेगी, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब में से एक आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब वाज का यूज होता है सिंगुलर के साथ, वर का यूज होगा प्लूरल के साथ, और यू के साथ हमेशा वर लगेगा। इसके बाद है नेगेटिव स्टेटमेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, उसके बाद नोट आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम। एनी डाउट? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हमारे, इंटरोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या रहेगी? इंटरोगेटिव की स्ट्रक्चर है कि वाज या वर पहले आ जाएंगे, वाज या वर पहले आ जाएंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या लगेगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। किसके बारे में है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिनको कि हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, एनी भी डाउट है आपकी कोई, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सेंटेंस हमारा क्या है कि मैं मेरे मित्र के घर जा रहा था। ये अफर्मेटिव रहेंगे, यहां यहां नेगेटिव, यहां इंटरोगेटिव। मैं मेरे मित्र के घर जा रहा था, ये है बेटा। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट है आई, आई के साथ यूज करेंगे वाज का। ठीक है, वर्ब जाना यानी कि गो, गो के साथ आईएनजी लगाया मैंने, गोइंग, आई वाज गोइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मित्र के घर। किसके? मेरे मित्र के घर। तो आई वाज गोइंग टू माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स हाउस। मैं मेरे मित्र के घर जा रहा था। यहां नेगेटिव लिखने की बेटा थोड़ा स्पेस कम है, यहीं लिख रहा हूं मैं, नेगेटिव जो है आपका यहां लिख रहा हूं। देखो, मैं मेरे मित्र के घर नहीं जा रहा था, मैं मेरे मित्र के घर नहीं जा रहा था। सो लुक एट हियर, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम था, वाज या वर के बाद सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? आई वाज नॉट गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। क्या मैं मेरे मित्र के घर जा रहा था? नेक्स्ट है, क्या मैं मेरे मित्र के घर जा रहा था? साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो जाएगा? वाज आई गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन।
So this is about the past continuous tense. Any doubt? Doubt है आपको? एक और sentence करते हैं. ये था affirmative sentence, negative and interrogative sentence. Now here is one another sentence. That is, वे पढ़ रहे थे. क्या है? वे पढ़ रहे थे. ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य. नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, वे पढ़ नहीं रहे थे. वे पढ़ नहीं रहे थे, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव, क्या वे पढ़ रहे थे? क्या वे पढ़ रहे थे? सो लुक एट हियर. सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, दे यानी कि वे. अब दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ यूज होगा वर का, दे वर. अब वर्ब क्या है? रीड. रीड के साथ लग जाएगा आईएनजी, ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट. दे वर रीडिंग. ये क्या हो जाएगा? दे वर नॉट रीडिंग. और ये हो जाएगा वर दे रीडिंग, वर दे रीडिंग. लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके बेटा, थैंक्स.